अगर हम अखरोट की बात करें, काजू है ऑलमोस्ट, टमाटर की बात करो यहाँ पे तो खीरे की, तो आलू के प्राइस हैं, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर के भी आलू है। इसमें अगर हम धनिया की बात करें, हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो कहाँ से ग्रोसरी लेनी चाहिए, कितना एक्सपेंस आ जाता है वीकली ग्रोसरी में। यहाँ पे इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे, सारी की सारी चीजें। अभी मैं अपने घर के पास एक बेंटले प्लाजा है वहाँ पे आया हूँ। अभी हम आए हैं स्पर्ड शेड, ये स्पर्ड शेड है। इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि 24 घंटे सातों के सातों दिन खुलता है, सोमवार मंगल बुध से लेकर शनिचर इतवार तक कभी भी आओ, सातों के सातों दिन 24 के 24 घंटे खुला हुआ मिलेगा, बल्क में यहाँ पे सामान मिलेगा। चीज़ सबसे पहले ट्रॉली ली हमने, सीधे अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे खाने का भंडार मिल जाएगा। ओए ओए ओए, ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ। एप्पल का प्राइस दिखाऊँ तो $4.49, तो ऑलमोस्ट ये $230-240 के आसपास, ठीक है। ये अपनी नाशपत्ती है, नाशपत्ती ऑलमोस्ट $3 की है। सबसे पहले सेबड़ा ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहता है। सुबह उठो, अपना एक सेब चबाओ और छुट्टी। अगर हम अखरोट की बात करें, 300 रुपये के 300 ग्राम। अगर हम काजू की बात करें, काजू हैं ऑलमोस्ट थोड़े से महंगे, 500 रुपये के ऑलमोस्ट 400 ग्राम पड़ेंगे। आपको इंडिया विंडिया चलाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। अंजीर दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट 500 रुपये की आधा किलो। अंजीर ऐसे हैं जैसे जिम करके आई हैं, अभी बढ़िया चंगी सी लग रही थी। वैसे केला मिलता है यहाँ पे किलो के हिसाब से, बट ये थोड़े से ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ से लेंगे नहीं, कहीं और से पकड़ें। एक किलो का प्राइस है 3.88 सेंट, 190 रुपये किलो के आसपास। स्ट्रॉबेरी तो जिसमें कि 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, ऑलमोस्ट 100 रुपये का एक डब्बा। अगर देखो ब्लूबेरी की बात करूँ तो $10 की 4 डब्बे मिलेंगे आपको, ये ऐसे ऐसे परफेक्ट बढ़िया। खाना पीना यहाँ का बहुत ही क्वालिटी का है, अच्छा है। घर से दूर रह के ये वाली चीज़ अगर आप खाओगे तो बेस्ट रहेगा, कि आपको घर की भी याद नहीं आएगी, अभी सेहत पे भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ के एक बार नींबू दिखा दूँ, और रेट अगर बात करेंगे तो हम ऑलमोस्ट 250 रुपये किलो नींबू, ये लेमन जो बोलते हैं, ठीक है, साइड में रखे हैं अपने छोटे वाले ग्रीन नींबू, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं $13 के। मूँगफली थोड़ी सी महंगी है, ऑलमोस्ट $12 की है, 600 रुपये किलो की मूँगफली। इंडिया में खा लो अपना मूँगफली। टमाटर की बात करूँ यहाँ पे तो 5.99 सेंट, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपये किलो टमाटर। खीरे के $4, ऑलमोस्ट 200 रुपये के खीरे पड़ेंगे यहाँ पे आपको। वैसे अगर हम धनिया की बात करें तो 350 रुपये के आसपास का धनिया है। तो आलू के प्राइस हैं 1.49 सेंट, हो गए 70 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ आलू हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर की भी आलू है, इसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्याज है 99 सेंट, ऑलमोस्ट 50 रुपये किलो की प्याज। यहाँ पैकेट वाले भी आलू लगे हुए हैं, प्याज लगे हुए हैं, तो अगर पैकेट से लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, लूज लोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलता है। ये आटे का पैकेट है 10 किलो का, वो रेट है इसके $13.99, ऑलमोस्ट $14, 700 रुपये का 10 किलो आटा। अलग अलग तरह की कंपनी है, कोई महंगा है कोई सस्ता है, पर है 100% गेहूँ का आटा, ये ऑस्ट्रेलियन है। तो गाइस अगर हम दूध की बात करें तो ये है कंट्री डेरी का 2 लीटर का, ऑलमोस्ट 3.20 सेंट का, ऑलमोस्ट 170 रुपये के आसपास 2 लीटर का दूध। तो गाइस ये है सारा का सारा दही का कलेक्शन यहाँ। ये गरीब की 1 किलो की पड़ेगी हमें $6.29, तो ऑलमोस्ट 310 रुपये के आसपास की ये दही पड़ेगी 1 किलो की। मिल तो आपको यहाँ पे मैगी भी जाएगी, तो आपको पड़ेगा ये $5 की, ऑलमोस्ट 250 रुपये का एक पैकेट पड़ेगा आपको। ओ साइज में 4-5 हैं। तो फिर आगे की रो में मैंने देखा है कि यहाँ पे इंडियन फूड का सेक्शन है, वहाँ चलते हैं वो देखते हैं। ये है यहाँ पूरा का पूरा अपना इंडियन सेक्शन, ठीक है। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे 100+ लगे हुए हैं, घी है यहाँ, ये लो रसगुल्ले भी हैं यहाँ, ठीक है जी, अपने चाय पत्ती, अपने रसगुल्ले, बिस्किट, ये लो पार्ले जी गोल्ड भी है, अगर पार्ले जी याद आती है तो पार्ले जी गोल्ड भी है। और सारे के सारे गुरु जी यहाँ मसाले भी हैं, फिर $2 के आसपास के हैं, फिर 2-3 $1 का, फिर मिर्च का है $2 का हो गया, हल्दी का है ये $1 का हो गया, ये खड़े मसाले हो गए, हल्दीराम की नमकीन, ये सारी की सारी दालें, छोले, राजमा, मसूर, चने की दाल। मसालों की बात करूँ तो आपको सारे मसाले $2-2.5 के आसपास मिल जाएंगे यहाँ पे। ये बासमती का 10 किलो का के जी का ऑलमोस्ट 750 रुपये के आसपास 10 किलो के राइस। राइस अगर हम एग की बात करें तो ये 2 डब्बे मिलेंगे $12 के, ठीक है, एक डब्बा ऑलमोस्ट $8 का मिलेगा। तो खोल के देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फूटे हुए भी निकल जाते हैं।
बस ले लिया सारा सामान, अब चलते हैं हम काउंटर की तरफ, देखते हैं कितने का बिल हो गया है। थैंक यू। तो गाइस अभी आ गए हम घर को, दिखाता हूँ जल्दी से कि कितने रुपए में हमारी सारी की सारी ग्रोसरी हुई है। तो हम लाए हैं अंडे, दूध, ये दही है, चना है, बादाम, राजमा, मसाले, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, ये इसमें एप्पल है, इसमें टमाटर, केला, और इसमें थोड़ा सा हमारे इसमें पड़ा है अपना प्याज पड़ा है, खीरा धनिया पड़ा है, ठीक है जी। और ये हमने पे कर रहे हैं टोटल आप देख सकते हो $54, जिसमें कि मेरा भी एक दो आइटम है इसमें। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आप कहूँ तो $50 के आसपास आपकी वीकली ग्रोसरी आ जाएगी इसमें, और आप आराम से अपना गुजारा कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट अगर हम मंथ की बात करें तो 250 के आसपास आपका सारे का सारा ग्रोसरी का सामान आता है, क्योंकि कुछ ग्रोसरी ऐसी होती है जैसे दाल चावल की आप एक बार खरीदते हो तो दो तीन हफ्ते में चली जाती है, तो छोटी छोटी ग्रोसरी हमें डेली वीकली वाइज। तो यही था इस वीडियो में सारे का सारा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू, चलो बाय।